हेलो हाय स्वीटी, कौन सा बैंक? ओह, लगता है पति घर पर ही है। हमें कोई लोन नहीं चाहिए, फोन रखो। फोन मत काटना, तो बार बार करूंगा। कौन सा लोन है, थोड़ा ठीक से बताओ। जो फोटो तुमने मुझे अलग अलग बिंदी लगाकर भेजी थी, मैंने उन्हें एक फ्रेम में जुड़वा लिया है। बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हो। नहीं, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन, कुछ नहीं चाहिए। मुझसे गुस्सा हो इसलिए तुमने दीवार से सारी पेंटिंग हटा दी? आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, फोन रखिए प्लीज। तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, तुम पर बहुत तरस आता है। पति के जाने के बाद मुझे फोन कर रहा। थैंक्स। हे, सीधा फोन काट दिया करो। हर रोज मार्केटिंग के ऐसे कम से कम 2 कॉल्स आते हैं, लोन लेने के लिए राजी करते हैं, फिर कर्जदारों के पीछे पीछे घूमते हैं। हेलो। हाय स्वीटी, कौन सा बैंक? लगता है पति घर पर ही। हमें कोई लोन नहीं चाहिए, फोन रखो। फोन मत काटना, तो बार बार करूंगा। कौन सा लोन है, थोड़ा ठीक से बताओ। जो फोटो तुमने मुझे अलग अलग बिंदी लगाकर भेजी थी, मैंने उन्हें एक फ्रेम में जुड़वा लिया है। बिल्कुल इंद्रधनुष लग रही हो। नाम बालाकृष्णन, फेसबुक नेम बाल्की, कंप्यूटर इंजीनियर, कॉलेज का टॉपर, माइक्रोसॉफ्ट या IBM में होना चाहिए था, 0.2 मिलियन शेयर का मालिक होता, इंटरनेट पर औरतों को फंसाता है। ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, शराब या सिगरेट पीने जैसा। इंटरनेट पर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, उसके पास बढ़िया तकनीक है। पहले लड़कियों का प्रोफाइल पढ़ता है, फिर रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करती है, वो साइलेंट हो जाता है। धीरे धीरे उनके प्रोफाइल में 2 साल पुरानी पोस्ट तक पड़ता है। कौन से हीरो की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना नहीं भूलती? फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, फेवरेट सॉन्ग, उसके फेवरेट लिरिक्स, कौन से फूल की खुशबू पसंद है, वो सब कुछ पता कर लेता है। अगर लड़की को मोनालिसा की पेंटिंग पसंद है तो उसी पे वो पोस्ट डालता और लड़की खुश, वाओ कोई तो है मेरे जैसा। वो लड़की पोस्ट लाइक करना शुरू कर देती और उसकी पोस्ट पर आई लाइक से पता चलता कि उसने कितनी अच्छी तरह से तैयारी की है। उसका बाप एक बड़ी तेल कंपनी का रिटायर्ड CMD है। वो उस बंगले में रहता है जो अल्टरनेट इनकम से बना है। औरंगजेब की तरह इसने भी अपने बाप को घर से निकाल दिया है। इसकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है, लेकिन उसका अकाउंट देखने पर मुझे पता चला हर हफ्ते 0.3 से 0.4 मिलियन इसके अकाउंट में जमा होता है। एक और जरूरी बात, पिछले 3 आत्महत्याओं में पुलिस को इस पर डाउट था, उस पर इंक्वायरी हुई, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। ये रही उसकी पूरी डिटेल्स। ओके, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स। या स्मार्ट है सर, जरा भी इमोशन नहीं दिखाया। क्या है ये जानकारी? डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पर्सनल। कैसे कह सकते हैं? डिपार्टमेंट काम की इतनी जल्दी पेमेंट नहीं करता है। हेलो मैथी, इतनी रात में क्यों फोन किया? तुमसे मिलना जरूरी है, तुम कहाँ हो? मैं मदुरई अपनी ससुराल में हूँ, 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ? ओके, जब वापस आओगी तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? असल में मेरी एक फ्रेंडशिप हुई थी फेसबुक पर। हाँ, तुम तो जानती हो ना, लाइक्स मिलने पर मुझे कितना अच्छा लगता है। मैंने बिना सोचे समझे सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये हमेशा कहते हैं, असल जिंदगी में लोगों के साथ हम जितना भी हंस बोल लें उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन ये कंप्यूटर है, यह हमारी सारी बातचीत रिकॉर्ड करता है, इसलिए संभल के रहना। और एक ऐसी रिक्वेस्ट जो मैंने एक्सेप्ट की थी, उसने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था मैथी, आखिर हुआ क्या है? तुम जानती हो मुझे इंग्लिश नॉवेल्स पसंद है, इन्हें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। मैंने अपने फेवरेट नॉवेल का कवर पेज पोस्ट किया था, 5 मिनट बाद ही उसने उस नॉवेल के 19वें नंबर पेज की खूबसूरत लाइंस कमेंट्स में लिख दी। There are moments when I wish I could roll back the clock and take all the sadness away. But then I have a feeling if I did, the joy will be gone as well. मैंने सोचा, वाह ये कौन है मेरी जैसा, और उसके कमेंट को लाइक कर दिया और मैं जाल में फंस गई। जब कभी बारिश होती है तो मुझे कॉफी पीने में मजा आता है। बहुत पहले मैंने ये पोस्ट में डाला था, उसने भी बारिश में कॉफी पीते हुए फोटो लेकर पोस्ट कर दी। इसी तरह हम एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते रहे। गवर्नमेंट क्वार्टर की हालत बताई है। एक दिन मैं दीवार पर टांगने के लिए कुछ रेफरेंस पेंटिंग्स ढूंढ रही थी, मैंने पोस्ट के साथ एनीबॉडी देयर लिखकर डाल दिया। अच्छा,
फिर उस बंदे ने कुछ पेंटिंग्स भेजी और उस पर लिखा लुक एट दिस। मैंने सोचा कि काश उन पेंटिंग्स को लगाने के लिए मेरे पास एक बड़ा घर होता। वो बहुत ही कमाल की पेंटिंग्स थी। ये सब नई नई चीजें कहाँ से लाती हो? मेरा बॉयफ्रेंड। आई लव योर टेस्ट। सच में? किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये पुलिस क्वार्टर्स है। शादी के बाद ये मेरी तारीफ कम ही करते थे। मेरे अंदर उस इंसान के लिए इज्जत बढ़ गई जिसने इन्हें फिर से तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या हुआ, आज तुमने कुछ पोस्ट नहीं किया? नो मूड प्लीज। रोज सुबह जब तक तुम्हारी पोस्ट ना देखूं मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। ओफो, पति के लिए क्या बनाऊं ये सोचना मुश्किल नहीं लगता जितना रोज एक पोस्ट करना मुश्किल लगता है। प्लीज वन पोस्ट, कोई छोटा सा फूल, कोई पौधा, कुछ भी कुछ भी। तुम्हारे घर में झाड़ू है? झाड़ू? हाँ हाँ बिल्कुल है। उसमें से एक तिली निकालो, टेबल पर रखकर उसकी फोटो खींचो और पोस्ट कर दो। मैं तिल्ली तुम्हारे इंतजार में, मैं तिल्ली तुम्हारे इंतजार में, जब भी घर में धूल देखती हूँ खुशी से उछल पड़ती हूँ कि तुम आओगी और मुझे पकड़ोगी। वाओ। तुम्हें सिर्फ काली बिंदियां पसंद है? किसी और रंग की बिंदी क्यों नहीं लगाती हो? और इस तरह कभी कभी मैं अलग रंग की बिंदी लगा लेती थी और पोस्ट करती थी। फिर एक दिन उसने सभी फोटोज को एक फ्रेम में लगाकर विपक्योर लिख दिया। शादी के बाद वो पहला दिन था जब मैंने अपनी सुंदरता को महसूस किया। कभी कभी तो मैं अपने किचन का काम भी लैपटॉप को सामने रखकर करती थी। थोड़ी देर में फोन करती हूँ। तुम्हें केरला कटला करी बनाना आता है? नहीं आती। तुम मेरी रेसिपी क्यों नहीं ट्राई करती हो? तुम्हारा पति खुश हो जाएगा। सच में? एक पतीला लो। नहीं नहीं इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा पतीला लो। करी के पत्ते लो, थोड़ा सा जीरा, दालचीनी। दालचीनी से केरल वाला स्वाद आएगा। सुपर। थोड़ा नजदीक आके बोलो। सुपर। ग्रेवी दिखाओ मुझे। लैपटॉप के अंदर से कैसे सूंघोगे? क्यों, भगवान को भी तो ऐसे चढ़ाते हैं, भगवान लेते हैं या नहीं? सुपर। इसलिए नहीं कि ये मेरी रेसिपी है बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने बनाया। थैंक्स। सुपर, तुमने बनाया? फेसबुक को कोसते रहते हो ना, वहीं से मिली है। फेसबुक जिंदाबाद। वो अच्छे दोस्त की तरह बात करता था। मैंने उसे घर आने के लिए कहा था ताकि उसे अपने पति से मिला सकूं। तुम्हारा घर कैसा है? बहुत ही छोटा सा है। हाँ, अगर वो एसपी होता तो उसे बड़ा घर मिलता। दिस इज माई हाउस। ये तो वाकई बहुत बड़ा है। अब मुझे अपना घर दिखाओ। ओह माय गॉड, मेरी सजेस्ट की हुई पेंटिंग्स तुमने अच्छे से लगाई हैं। अच्छा है ना? ये बाथरूम है क्या? बहुत छोटा है लेकिन गवर्नमेंट क्वार्टर में सबसे बड़ा है। पर यार बाथरूम तो बिल्कुल खाली है, वहाँ क्या हो सकता है? उसे भी सुंदर चीजों से भर सकते हैं। कैसे? बताता हूँ। सर पार्सल। हमने तो कुछ नहीं मंगवाया था। मैम बुकिंग एड्रेस तो यही का है, ऑलरेडी बिल पेड है। क्या है इसमें? इसके अंदर रूम फ्रेशनर है। एक मिनट माँ, दिखाइए तो। माँ ये मैंने ही ऑर्डर किया था, भूल ही गई थी। रजनीकंधा का रूम फ्रेशनर, ये तुम्हें कहाँ से मिला? सस्पेंस। हेलो, अभी मत खोलना, सीधा बाथरूम में ले जाओ, फिर कवर उतारो, बटन ऑन करो और स्टैंड पर रख दो, ये स्प्रे करेगा।
जरूरी नहीं कि हम अपनी हर जगह को चीजों से भरें, पसंदीदा खुशबू से भर सकते हैं, अपनी यादों से भर सकते हैं, अपने पसंदीदा लोगों से भर सकते हैं। कॉकरोच था माँ, कॉकरोच था। जब मैंने उसे अपने बाथरूम में महसूस किया मैं बहुत डर गई थी। तुम उसे ब्लॉक क्यों नहीं कर देती? क्या था? वहीं से तो सारी परेशानी शुरू हुई। हेलो। हाय मेरी जान। ए तमीज से बात करो, बीवी समझ के रखा है क्या? कहावत है कि रुमाल देने से दोस्ती टूट जाती है, रूम फ्रेशर से भी यही होता है क्या? हेलो, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? पसंद नहीं हो तुम इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा सकती हो मुझसे। चोरों चक्के फोन रखो। चोर? फिर तो मैंने जरूर कुछ चुराया होगा। फेसबुक पर लॉगिन करो और मुझे एक्सेप्ट करो। नहीं किया तो व्हाट्सएप पर देखी, मैं इसे पोस्ट करूंगा और तुम्हारे पति को पता चल जाएगा कि ये लवली किस उसके लिए तो नहीं थी, तो फिर ये किसके लिए थी? मैंने एक्सेप्ट कर ली। कोई फायदा नहीं। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहिए। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हारा पति एक पुलिस वाला है, तुम मुझे सब सच सच बता दो, वो उसकी अकल ठिकाने लगा देगा। देखो ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा दोस्त है, मैंने उसे अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें भी बता दी हैं। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और कहता है कि मैं सब लीक कर दूंगा। अगर इन्हें पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे पति से बात करूं क्या? नहीं नहीं प्लीज, उनसे कुछ मत कहना, नहीं तो बची कुछ जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। मैं पहले ही अपने पति से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रही, अगर उन्हें सब पता चल जाएगा तो उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। मैथी, मैंने उन्हें बिना बताए साइबर क्राइम से भी बात की है, अगर गलती से भी पता चल गया कि मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ तो सब खत्म, सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। अपने पति को इस तरह से बेइज्जत होते देखने से अच्छा है कि मर जाऊं। चल छोड़, कैसे भी अपने पति को बिना बताए से खत्म करने की कोशिश कर। जस्ट 3 डेज, बस तब तक संभाल ले, फिर मैं आ जाऊंगी। थिरुवल्लुवर कॉइल स्ट्रीट तुम्हारे अंडर आता है? यस बॉस, क्या करना है आप बताइए तो सही, फटाफट हो जाएगा। सुबह 9:30 बजे लैपटॉप लेकर घर से निकलता है जैसे ऑफिस जा रहा हो। 9:45 पर मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। 10 बजे की मेट्रो पकड़कर के नगर उतर जाता है। कॉफी शॉप में बैठकर हर लड़की से बात करता है। जब तक कोई लड़की फंस नहीं जाती तब तक बैठा रहता है, और जब कोई लड़की फंस जाती है तो उसे ले जाता है। आपको जानता हूं, आप लॉयला कॉलेज के 2002 बैच के हैं ना? हाँ। आपकी शादी त्रिपुरम कुंद्रम में हुई थी राइट? हाँ। मैंने आपकी वेडिंग फोटोज देखी हैं। मैं आपकी वाइफ का फेसबुक फ्रेंड हूँ। ओह, मैं फेसबुक यूज नहीं करता। कहाँ जा रहे हैं? आपका ऑफिस इस तरफ? नो नो, केके नगर कॉफी शॉप। ओके सर, बाय।